Bohot to see ya. Yeah? Mm-hmm. That's what I expected. What's up guys and welcome back to another vlog. आपने टाइटल एंड थंबनेल से तो देख ही लिया होगा. आज हम जा रहे हैं रोड ट्रिप पे बुदापेस्ट तक. यहाँ व्रोत्सव पोलैंड से जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ से 7 घंटे की ड्राइव है बुदापेस्ट की. एंड फाइनली वेरोनिका इज बैक इन द व्लॉग्स. एंड सिर्फ वेरोनिका के साथ नहीं, हमारे और दोस्त साथ जा रहे हैं. अभी मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ आगे व्लॉग में. अभी मैं एक बार फ्यूल स्टेशन रुका था पेट्रोल डलवाने के लिए. एंड मैं आपको पेट्रोल का प्राइस बता देता हूँ. यहाँ पोलैंड में इस वक्त चल रहा है अराउंड 125 रुपये. इंडिया में आई थिंक 110 है. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यू कैन कमेंट डाउन बिलो. एंड यहाँ से आई थिंक अराउंड 6-6.5 घंटे में और लगेंगे. तो इस ट्रिप में मैं आपको पूरा बुदापेस्ट दिखाऊंगा. बहुत ही चिल एंड कूल सिटी है. तो मैंने एक रेड बुल लिया जर्नी के लिए. मैं कोई भी एनर्जी ड्रिंक ले लेता हूँ जब भी रोड ट्रिप पे जा रहा होता हूँ कहीं पे. तो चेक रिपब्लिक में एंटर करती सबसे पहली चीज़ जो हमें मिली है वो एक फ़ाइन. मुझे पता नहीं था कि आपको चेक रिपब्लिक में हाईवे पे गाड़ी चलाने के लिए पहले से एक परमिट खरीदना पड़ता है अराउंड 1000 रुपये का. क्योंकि पहले जब भी मैं चेक आया हूँ ऐसा कोई भी रूल नहीं था. इन्होंने नया नया रूल बनाया तो इसके लिए हमें 2500 की पेनल्टी देनी पड़ी. एंड पहली बार किसी ने पुलिस ने आके पुल ओवर किया मुझे. जो मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि आगे गाड़ी लगा के उन्होंने रुकवाया साइड में एंड देन पेनल्टी दिया. एंड ये जो हाईवे है ये यहाँ चेक रिपब्लिक से होता हुआ पहले जाएगा ब्रातिस्लावा. ब्रातिस्लावा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा. एंड देन वहाँ से सिर्फ 1-1.5 घंटा और दूर है बुदापेस्ट. हमें ऑलरेडी अराउंड 3-3.5 घंटे हो गए हैं ड्राइव करते हुए. एंड आई थिंक 3 घंटे और लगेंगे. टोटल 6.5-7 घंटे की ड्राइव थी. एक बार हम चेक इन स्लोवाकिया के बॉर्डर पे रुके हैं देखने के लिए कि यहाँ तो किसी टाइप का आपको परमिट नहीं चाहिए हाईवे पे जाने से पहले. क्योंकि मैं यहाँ भी टिकट पे नहीं करना चाहता तो यहाँ गैस स्टेशन पे जाके पूछता हूँ किसी से. चेक रिपब्लिक हमने पूरा क्रॉस कर लिया है. यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर ब्रातिस्लावा है एंड उसके 1-1.5 घंटा दूर है बुदापेस्ट. तो अच्छा हुआ मैंने रुक के पूछ लिया. स्लोवाकिया में भी आपको पहले पे करना पड़ता है हाईवे पे जाने से पहले. चेक रिपब्लिक में स्लोवाकिया में टोल का सिस्टम नहीं है. ये आपसे पहले ही पैसे ले लेते हैं पूरा हाईवे यूज़ करने के लिए. सो डू वी नीड इट? यस वी हैव टू पे. आई जस्ट सेव्ड यू वन मोर टिकट. You saved me, I told you to stop. Okay, we have to pay. यहाँ हंगरी की करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट. आई थिंक इंडियन रुपीज़ ज़्यादा है फॉरेंट से. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हंगरी इंडिया से चीप है. बट यहाँ की करेंसी काफ़ी ज़्यादा लो है. तो बहुत बड़े बड़े बिल आते हैं जैसे इंडोनेशिया वगैरह में होता है 1 लाख के 2 लाख के अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह जाओगे. तो यहाँ पर फ्यूल देखता हूँ कितने में फुल होगा. By the way, do you know how much I paid for fuel? How much? 17,600 forints. It's I have no idea how much is it. It's 53 euros. तो 7.5 घंटे ड्राइव करने के बाद वी आर फाइनली इन बुदापेस्ट. गाड़ी मैंने पीछे लगा दी है. मैं पार्किंग टिकट लेने जा रहा हूँ. यहाँ यूरोप में पार्किंग की बड़ी दिक्कत है. टिकट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. वरना पिछली बार भी मैंने फ़ाइन दिया था बुदापेस्ट में. तो इस बार मैं फ़ाइन नहीं देना चाहता. एक फ़ाइन ऑलरेडी हो चुका है. तो पार्किंग यहाँ पर पड़ी 4 घंटे की 800 रुपये की. 200 रुपये घंटा पार्किंग है. काफ़ी एक्सपेंसिव पार्किंग है यहाँ पर. सो हमने डिसाइड किया कुछ खाने जाने का. एंड मैंने सबको कन्विंस किया इंडियन रेस्टोरेंट जाने के लिए. Are you excited to eat Indian food after so long? I'm excited to go to this restaurant because actually it's our favorite one. Yeah. The favorite Indian restaurant in Budapest. It's very good. Yeah. मैं 2 बार बुदापेस्ट आया हूँ पहले. एंड हमने दोनों बार उसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया है. रेस्टोरेंट का नाम है ताजमहल. बहुत ही टेस्टी इंडियन खाना मिलता है. अभी आपको जाके दिखाता हूँ. There is a Bitcoin bar. You wanna buy some Bitcoin? No. Invest in some crypto? No. नो. एंड मैं आप लोगों को बाशन जेफरी से इंट्रोड्यूस कराना भूल गया. अगर आपने मेरी लव स्टोरी वाली वीडियो देखी है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि बादशाह कौन है. शी इज़ द रीज़न आई मेट वेरोनिका. मैं वेरोनिका को बादशाह के थ्रू ही मिला था. तो मैं आपको बाशन जेफरी से मिलवाता हूँ. बादशाह यू आर ऑलरेडी फेमस इन माई वीडियो. यू नो दैट? यस यस आई ऑलरेडी सॉ योर वीडियो.
I think she read most of the comments. You guys were asking Barsha kaun hai, and you were asking for her number, but she is engaged. This is her fiance. Nice to Jeffrey, meet you guys. Jeffrey, where are you from? So I'm from the US, and I met Barsha while studying, and she convinced me to come to Poland, which is honestly the best country in Europe. It is. You guys should visit Poland. It's one of the best. And Wrocław is the best city. It is. That's why we're living there, right? Exactly. So, ये जो आप बस देख रहे हो इन्हें हो बस कहते हैं, hop and hop off. सबसे बेस्ट वे होती है सिटी एक्सप्लोर करने के लिए अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हो. ये आपको हर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे लेके जाती है. एंड जहाँ हमारा एयरबीएनबी है ये बिल्कुल सेंटर एरिया है बुडापेस्ट का. वेयर इज जेफ्री? जेफ्री वाज टेकिंग फोटो ऑफ दैट कैथेड्रल. ओह, इट लुक्स ब्यूटीफुल. तो जो इंडियन रेस्टोरेंट है ताजमहल यहाँ से अराउंड 31 मिनट दूर है, तो हमने सोचा कि वॉक करके ही चलते हैं, थोड़ी बहुत सिटी भी एक्सप्लोर हो जाएगी. लास्ट में आया था बुडापेस्ट 2018 में, बट इट्स सीरियसली वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़. आई नो मैं बहुत ऑफन कहता हूँ, बट बुडापेस्ट वो सिटी है जो बहुत ही अफोर्डेबल है, एंड साथ में इतनी सारी चीज़ें हैं करने को, एंड इट हैज़ एन अमेजिंग नाइट लाइफ. मैं आपको पूरी नाइट लाइफ भी दिखाऊंगा बुडापेस्ट की. सो गाइज, इस सीरीज़ का एक भी ब्लॉग मत मिस करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली है. एक एक चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ बुडापेस्ट हंगरी में, सारी नाइट लाइफ, सारी अट्रैक्शन, सब कुछ. ये है रेस्टोरेंट ताजमहल, लेट्स गो. Check it out, guys. Good afternoon. Good afternoon. Right, who's having the cocktails? Cocktails. Cheers. For the starters, we'll have the tandoori sampler. Right. And for main course, one tawa chicken, one paneer tikka masala, two garlic naan, and one pudina paratha. And will we get the mint sauce? Yeah, sure. Yeah. And one bowl of rice, portion. Which of rice? Basmati. Basmati. All right. Should I tell you how spicy the dishes are? Or I think the tawa chicken will be a bit spicy. Yeah. It will be quite spicy. It's like so extra spicy. So can you make it a little bit like a little mild for everyone, because I can handle the spice. Like, can, do you guys like spicy? You love me it? Me too. I like it, yeah. Yeah? Okay, so. Make it Indian style. Make it Indian style, so that's alright. It's perfect for me. A little too much. It's okay. Cheers. Oh, cheers. Cheers. You're having wine? No, it's coke. Cheers. Alright, no problem. So, humne li hai ye mocktail tamarind magic. I think imli ki koi drink hai. How is it? Very good. Delicious. Is it? It's like tangy. Yeah. Very citrusy taste. Nice. Thank you. And that is a mint sauce. Yep. So this is everything is from tandoor. So it should be good. I don't know why they don't have a chop in any of Indian restaurants. It's hard to make because in India, you know, you have people who know how to make it. Also. Yeah, this is paneer. This is like cottage cheese. Indian it's cottage here. Cheese. Mm-hmm. You have never tried paneer before? I have not, no. Tried you should, sure. It's good. For sure. You just can't remember. No, I remember. Let's dig in. That's definitely the spicy one. This is the spicy one. You can crunch on it. Yeah. Pudina? Mint. I think you're right. Thank you. Enjoy your milk. This is pickled onions. Yes, of course. And when are you supposed to eat that? With the food. Let's say you take one bite of the food and then one bite of the onion. Okay. Interesting. Let's dig in. Yes. Oh my god, this looks very good to me. Bohot is here. Yeah? Mm-hmm. That's what I expected. Mm. I will try the spicy one. And how do you call these onions in? Sirka wali piyaz. Sirka Sirka is vinegar. Okay. So it's basically translated as onions with vinegar. So sirka wali piyaz. It's a bit difficult. Sirka wali piyaz. Exactly. Oh, sirka you're good. Sirka? Sirka wali piyaz. Wali piyaz, yeah. Sirka wali piyaz. Oh, nice. Very good. Do you like the sauce? It's interesting. So guys, how did you like the food? It was very good. So now you can say that Indian food is the best in the world?
now, but I like it. Hey, you told me it's the best. No, that's not true, but it's in my top three. Oh, that's okay. That's good enough for me. For me, it's always going to be the best, but yeah, top three is good. What about you, Basha? Oh, of course, the best food is Polish food. Oh, come on. But Indian is definitely in the top three. All right. On my list, yes. That's good. So now we decided to rest for a little bit on Airbnb, because I woke up at 3:30 in the morning and after that, I spent 7.5 hours driving the car. So now we're going to rest a little bit on Airbnb. And we're going to leave at night and I'll show you the city at night. It's very beautiful at night. What did you get? Bubble tea. Which flavor? This is lychee bubble tea. I love lychee. मैं आपको एयरबिन भी दिखा देता हूँ. सो इसमें दो रूम है. ये है बार्श एंड जेफरी का रूम एंड दिस इज आवर रूम. बहुत ही बेसिक एयरबिन भी है. आई जस्ट लेफ्ट माई गिम्बल इन द कार. यू नीड द गिम्बल. एंड ये है किचन एंड डाइनिंग एरिया. छोटी सी इन्होंने डाइनिंग टेबल लगाई हुई है. एंड एयरबीएनबी का ये फ़ायदा होता है कि आपको एक फुली इक्विप किचन मिल जाती है थोड़ी बहुत कुकिंग वगैरह करने के लिए, अगर आपको अपना कुछ खाना प्रिपेयर करना है. साथ में फ्रिज एंड माइक्रोवेव एंड जेफरी. टू फिनिश ऑफ द डे हम जा रहे हैं सेंट स्टीफन्स बेसिलिका. बिल्कुल हमारे एयरबीएनबी के पास में ही है. आज हमने कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा थके हुए थे. गाइस जस्ट लुक एट दिस रैंडम बिल्डिंग. भी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है यहाँ पे. वी आर गोइंग टू द पार्लियामेंट नाउ, राइट? नॉट पार्लियामेंट, सेंट स्टीफन्स बेसिलिका. ओके, दैट्स गुड. या स्टीवीस, बडी स्टीव्स बेसिलिका. बडी, यस. चलो चलें. Don't you think that these streets are even more beautiful than Paris, let's say, in Budapest? They are really beautiful. Yeah. I like the vibe of the city in general, yeah. You know? बहुत ही एक अच्छी and laid back, like chilled out vibe है बुदापेस्ट की. रात को भी आपको सारे pubs वगैरह full मिलेंगे and इतनी ज़्यादा party city नहीं है Amsterdam जैसा कि overcrowded हो. And बहुत ही beautiful beautiful streets हैं यहाँ पर. सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है रात को walk करना. आप पूरी सिटी में वॉक करो, हर जगह इतनी प्यारी लाइटिंग होती है. सो हम बेसिलिका की तरह वॉक करते हुए जा रहे थे एंड वी केम अक्रॉस दी फैशन स्ट्रीट ऑफ बुदापेस्ट. यहाँ ए टू जेड सारी ब्रांड्स हैं. आई थिंक लास्ट टाइम हम यहाँ नहीं आए थे या फिर उस टाइम तक ये बनी नहीं थी. मैं दो बार बुदापेस्ट आया हूँ एंड अब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ की भी नाइट लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी है. सब इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं. ए टू जेड सारे बार बिल्कुल फुली पैक्ड है. आई ऑनेस्टली थिंक दैट बुदापेस्ट इज I think the most underrated city in Europe. Yeah, it is. Right? It is very underrated. पता नहीं लोग बुदापेस्ट की ट्रिप क्यों नहीं प्लान करते. बहुत सारे लोग पेरिस जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, बट बुदापेस्ट, प्राग ये भी इतनी ब्यूटीफुल सिटीज़ हैं. तो आई थिंक पीपल शुड विजिट दीज सिटीज़ मोर ऑफन. सो ये है मेरे पीछे सेंट स्टीफन्स बेसिलिका. वीडियो में आई थिंक इतना ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा, बट असलियत में इतना ज़्यादा बड़ा एंड ब्यूटीफुल है. एंड नाउ वी विल जस्ट सिट हियर फॉर अ व्हाइल. तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ गाइज. अगले व्लॉग से मैं आपको पूरा बुदापेस्ट डिटेल में दिखाऊंगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन.